पेंडिंग मसला हल करो, पेंडिंग मसला हल करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, बीसीसीएफ साहब इंसाफ करो, बीसीसीएफ साहब इंसाफ करो, बीसीसीएफ साहब इंसाफ करो, बीसीसीएफ साहब इंसाफ करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद, एग्रीकल्चर एस्ट्रोलॉजी डिवीजन कश्मीर जिंदाबाद, एग्रीकल्चर डिवीजन कश्मीर जिंदाबाद, इत्याद मुलाजमी जिंदाबाद, इत्याद मुलाजमी जिंदाबाद, बीसीसीएफ पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग मसला हल करो, पेंडिंग मसला हल करो, एग्रोस्ट्रोलॉजी डिवीजन के वर्करों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, एग्रोस्ट्रोलॉजी डिवीजन वर्करों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, एग्रोस्ट्रोलॉजी डिवीजन के वर्कर्स के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, रुका पड़ा मसला हल करो, हल करो, रुका पड़ा मसला हल करो, हल करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, बीसीसीएफ साहब जिंदाबाद, बीसीसीएफ साहब इंसाफ करो, इस महकमे से आप और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, डिमांड क्या है, मुख्तसरन बताइएगा। देखिए मैं एज ए प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी यहां पे इनके साथ आया हूं, और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी में बहुत सारी यूनिट्स एफिलेटेड मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, उनमें से एक है एग्रोस्ट्रोलॉजी डिवीजन कश्मीर। इनका बहुत बड़ा एक मसला है, पिछले 7-8 महीने से इनकी फाइल जो है, इनका जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर है उस ऑफिसर के पास इनकी फाइल पड़ी है, लेकिन पिछले महीनों से इनकी जो फाइल है वो आगे उस पर कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। बार बार इन्होंने एक वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी, हमारी तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन दी, इन्होंने अपनी तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन दी, बार बार ये वहाँ ऑफिसर से भी मिले, लेकिन इस पर कोई पेशरफत नहीं हुई। इसलिए आपकी वसादत से, आपके माध्यम से हम आज यहाँ से अपील करना चाहते हैं, ये आज यहाँ पे जो ये पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से लीडरशिप आई है, दो दो तीन तीन बंदे हर किसी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, ताकि एक मैसेज जाए कंसर्न ऑफिशल्स तक और ये मसला जल्द से जल्द हल हो। एक तो ये फाइल जो है जल्द से जल्द जो है फॉरवर्ड कंसर्न ऑफिशल्स को होनी चाहिए जहाँ पर ये रुकी है, दूसरी जो इनके पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा मसला कश्मीर में ये है, जे एंड के में पर्टिकुलरली कश्मीर की बात करूँगा मैं, रेगुलराइजेशन तो इनकी दूर की बात, पेंडिंग वेजेस तो दूर की बात। इसमें ऐसे मामले पड़े हैं जो लोग ऑलरेडी हैं एम्बिट में, कैजुअल लेबर्स वर्कर्स की लिस्ट में, लेकिन उनका मसला यह है कि पिछले 3-4 साल से उनके वेजेस पेंडिंग है और उनकी फाइलिंग जो है, उनके जो रिलेवेंट क्वार्टर्स में डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर कोई उस पर प्रोसेस नहीं होती है। हम सरकार से अपील करते हैं, जहां एक तरफ से ये लोग रेगुलराइजेशन पेंडिंग वेजेस का जो नारा देते हैं, हम दूसरी तरफ से इनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो है जो छूट गए, जिनको किस बुनियाद पर छूटा गया छूट गए हैं, वो उनकी फाइलें जो है मुख्तलिफ क्वार्टर्स में डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। इसीलिए हम कंसर्न ऑफिसर जो हैं, पर्टिकुलरली प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कश्मीर, हमें उनसे उम्मीदें वाबस्ता है, हमें उम्मीद है कि वो कल ही इस पे जो है जो एक्शन लेंगे और इनका जो मसला है वो जो है आगे रिलेवेंट क्वार्टर्स तक फॉरवर्ड करेंगे। अगर ये मसला कुछ दिनों तक हमें लगा इसमें कोई पेशरफत नहीं हुई, हमें लगता है कि इसमें हम शिद्दत लाएंगे, उस वक्त ये लीडरशिप खाली नहीं होगी, उस वक्त जो हमारा जो पूरा है पूरा फोकस हो जाएगा, हम जे एंड के से जो भी हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उनको हम बुलाएंगे। थैंक यू।